रविंदर सिंह जी भाटी एक लड़का युवा बहुत ही अच्छा, कोई इसके अंदर देव देवता का कुछ रूप है क्या पता, पूरे राजस्थान में खलबली मच गई है रविंदर सिंह भाटी के नाम से। हम भी भारतीय जनता पार्टी गुजरात से जुड़े हुए, ये कर्ण चवा रविंदर सिंह ना के थे लौटा रहे हमारा मेल आ रहा लौटा यहाँ छत्तीसी को, कोई घबराने जड़ी बात है कुने छत्तीसी कौम आप ला रहा है, आप जो भी निर्णय लेंगे आपका निर्णय छत्तीसी कौम को स्वीकार है और छत्तीसी कौम आप जो फैसला करोगे हम सबको मंजूर है, हम सब आपके पीछे, आप आगे बढ़ो हम आपके साथ है। आप ये सारा समंदर यहाँ पर पधारे, आपका दिल की गहराइयों से हम शुक्रगुजारी से और आपका थैंक यू। ये कर्ण चवा रविंदर सिंह ना के थे लौटा रहे हमारा मेल आ रहा लौटा यहाँ छत्तीसी को, कोई घबराने जड़ी बात है कुने छत्तीसी कौम आप ला रहा है, आप जो भी निर्णय लेंगे आपका निर्णय छत्तीसी कौम को स्वीकार है और छत्तीसी कौम आप जो फैसला करोगे हम सबको मंजूर है, हम सब आपके पीछे, आप आगे बढ़ो हम आपके साथ है। रविंदर सिंह जी भाटी एक लड़का युवा बहुत ही अच्छा, कोई इसके अंदर देव देवता का कुछ रूप है क्या पता, पूरे राजस्थान में खलबली मच गई है रविंदर सिंह भाटी के नाम से। हम भी भारतीय जनता पार्टी गुजरात से जुड़े हुए और 2006 में हमें गुजरात सूरत से कर्नल मानविंदर सिंह कोई वहां प्रोग्राम के अंदर कोई दरबारों का प्रोग्राम था वहां पे आया था और कर्नल मानविंदर सिंह के साथ ये दुर्जन सिंह भाटी और भी राजपूत से हम साथ में थे, तो दो दिन उनकी मैंने सेवा किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आप कहां क्यों, मैंने उनको बताया नहीं मैं मानविंदर सिंह को जानता था नहीं मानविंदर सिंह मुझे जानता था, तो उसने मुझे मानविंदर सिंह ने कहा कि आप बाड़मेर आओ जब मुझे जरूर मिलना। मैं बाड़मेर आया उनसे मिला और मुझे राजनीति में लाने वाला भी कर्नल मानविंदर सिंह और मेरा राजनीति गुरु कर्नल मानविंदर सिंह को हमेशा मानता हूं और हमेशा मानता रहूंगा। कर्नल मानविंदर सिंह एक बहुत ही अच्छा सच्चा और ईमानदार आदमी आप सबको पता। खैर ये तो मानविंदर सिंह की बात आप सब समझदार हैं, आप सब इतनी तड़ती धूप के अंदर आप यहाँ सब बैठे हैं, रविंदर सिंह की बात आप सबको रखना छत्तीसी को भी इस पंडाल के अंदर आए हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। आप रवि भाई के एक मैसेज पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।